मैं नमन मोहम्मद बोल रहा हूँ। ये गाड़ी भेज रहा हूँ मैं आज से एमबी मुसद को, WB 74 1454। आज से हमारा रिक्शा ख़त्म, आज के बाद अगर कोई भी रिक्शा होगा तो ये इसके माध्यम से होगा। आज से ये गाड़ी का रिक्शा सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, मैं गाड़ी बेच चुका हूँ। नहीं भाई, एक सवाल है जो आप बोल रहे हैं कोई रिक्शा नहीं, आज से पहले का अगर कोई झोल है, पेपरी प्रक्रिया है, वो आपका जिम्मेवारी है। पेपरी प्रक्रिया ये है कि मालिक का कुछ नहीं है हमारे पास, जिससे हम गाड़ी लिए हैं उसका आधार कार्ड पैन कार्ड है, बशर्ते मैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकता हूँ। मालिक जो ओरिजिनल जिसके नाम से गाड़ी है ये ठो, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम उसके बारे में कह नहीं सकते हैं। हमको कोई दिलासा दिया है कि नंबर उसका आधार कार्ड दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हम रिक्स नहीं लेते हैं कि हम ला के देंगे ही देंगे, और ये गाड़ी कर सकते हैं। मगर ये गाड़ी बाई देवे ऐसा पता चलता है कि कल चोरी का था, तब चोरी का था तो हम जिससे लिए हम उससे प्रयास कर सकते हैं। उसका घर हमको मालूम है, एड्रेस मालूम है, कहाँ से लिए नहीं लिए वो बात हमारा। लुसेद आपसे गाड़ी खरीद रहा है, ऐसे स्थिति में अगर गाड़ी डिफॉल्ट होता है तो उसका जिम्मेवार आप हैं। चुराई का और अगर कोई किसी प्रकार का अगर डिफॉल्ट होगा तो उसका रिक्शा हम लेते हैं, बाकी पेपर के माध्यम से उसका कोई कनेक्शन हमारे पास नहीं है मालिक का। जिम्मेवारी तो है ना आपसे, जिम्मेवारी अभी ये है कि जैसे कि कोई अगर बोल सकता है कि चुराई का गाड़ी है, वो चीज़ का हम रिक्शा लेते हैं कि चुराई का गाड़ी नहीं है, हम खुद खरीद करके लाए हैं, जिससे लाए हैं उसका प्रूफ है। अच्छा मुर्शेद बाबू, आप इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, आज के बाद अगर कोई घटना होता है इस गाड़ी के साथ तो इसका जिम्मेवार कौन है? तब अगर घटना के विषय में या आज के बाद कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवारी आपका है, क्योंकि नौमान आज से गाड़ी बेच रहा है और ये आपके हवाले कर रहा है। एग्रीमेंट के तौर पर ये वीडियोग्राफी को माना जाएगा और हम और कुछ यहाँ लोग हैं ये इनका गवाह होंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं ये लोग इस चीज़ का गवाह है, या काफ़ी लोग हैं और हमारे समाज ही सबसे बड़ा एग्रीमेंट